हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो नवरात्रे आ गए हैं और इस ऑस्पिशियस ओकेजन पे मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छा डाइट प्लान देने वाली हूँ, और जिससे कि आप लोगों का होगा 9 डेज में 5 kg वेट लॉस। तो बस जैसे मैं बता रही हूँ वैसे ही फॉलो कीजिएगा। मैं हूँ आपकी दोस्त डाइटिशियन हिना से। तो दिन की शुरुआत हम करेंगे लेमन वाटर से। लेमन वाटर को आप हनी के साथ ले सकते हैं, साथ में ही आप एलमंड्स और वॉलनट ले सकते हैं सोक करके। एलिमेंट्स 5 आप सोक कर दीजिए, साथ में एक वॉलनट ले लीजिए। तो बस आपके दिन की शुरुआत बहुत अच्छी हो गई। और उसके बाद हम आते हैं ब्रेकफास्ट पे। ब्रेकफास्ट में हम ले सकते हैं साबूदाना खिचड़ी, जिसमें हम थोड़ी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आप उसमें मूंगफली वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसको फ्राई नहीं करना है। या फिर आप ले सकते हैं कर्ड, जिसमें आप फ्रूट्स और मखाना ऐड करेंगे और वो ले सकते हैं। या फिर मैं आपको एक स्मूदी बताती हूँ, वीगन स्मूदी है और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और वेट लॉस के लिए बहुत ही परफेक्ट है। तो मैं किचन का रुख करती हूँ और आप लोगों को बना के दिखाती हूँ ये स्मूदी, जिसे आप लेने वाले हैं ब्रेकफास्ट में और जो आपको देगी भरपूर वेट लॉस। तो ब्रेकफास्ट के लिए मैं स्मूदी बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने मखानों को रोस्ट कर लिया है और पीनट को भी रोस्ट कर लिया है। तो ये हाई इन प्रोटीन स्मूदी बनने वाली है। मखानों को हम अब ग्राइंड कर ले रहे हैं, ये देखिए, और साथ में ही मैं पीनट को भी कर दूंगी ग्राइंड। और इसमें स्मूदी का टेक्सचर बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि और एक प्रोटीन में रिच हो जाएगी और आपको रखेगी बहुत देर तक फिलिंग। अब मैंने ये जो 10-15 बादाम भिगोए थे ना, इनका मैं मिल्क बना लेती हूँ। ये देखिए, आलमंड मिल्क बनाया मैंने, और इसमें मैं डाल रही हूँ एक बनाना और साथ में ही थोड़े से पिस्ताचियो, और ये जो दोनों पाउडर बनाए थे उसको भी डाल दे रही हूँ। और अब हम इसमें छोटी इलायची का पाउडर डाल रहे हैं और साथ में ही डेट्स डाल रहे हैं जो मैंने सोक करके रखी थी। तो ये बहुत अच्छे टेक्सचर वाली थिक स्मूदी बनकर तैयार है आपके ब्रेकफास्ट के लिए। और आप चाहें तो किसी और फ्रूट का भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें मैं थोड़े से नट्स और डाल दे रही हूँ, तो आप खाते हुए पीजिए और ये आपको रखेगी फिलिंग। मिड मॉर्निंग की बात मैं करूँ तो हम मिड मॉर्निंग में लेंगे कोकोनट वाटर, या आप शिकंजवी ले सकते हैं क्योंकि अभी भी बहुत समर है, और या फिर आप ले सकते हैं फ्रूट चाट, और जिससे हो जाएगी हमारी बहुत अच्छी फीलिंग। फिर हम आते हैं लंच में। तो लंच में हम ले सकते हैं स्मूदी, जिसकी रेसिपी मैंने लास्ट नवरात्रि में शेयर की थी, जिसकी पिक्चर मेरे साइड में दिख रही है। या आप ले सकते हैं वेट लॉस रायता, और जिनकी पिक्चर मेरे साइड में दिख रही है जो मैंने नवरात्रि में शेयर किए थे। नवरात्रि की पूरी प्लेलिस्ट है चैनल पे, आप उसमें से कोई भी रेसिपी ले सकते हैं लंच में। और या आपको मैं बनाकर दिखाती हूँ राजगिरा पराठा, और जो बहुत ही फेवरेट होता है सबका, और जो ग्लूटिन फ्री होता है राजगिरा फ्लावर, उसका मैं पराठा आपको बनाकर दिखाऊंगी। और या आप ले सकते हैं स्वीट पोटैटो चाट, जो बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही ज़्यादा फिलिंग होती है। तो इस तरीके से आपका लंच कंप्लीट हो जाता है। तो किचन का रुख करते हैं और मैं आपको बना के दिखाती हूँ राजगिरा पराठा। तो बनाते हैं लंच, जिसके लिए अमरंथ फ्लावर लिया है, जो हमारा राजगिरा का आटा होता है, और इसमें डाल रही हूँ जीरा, व्रत का नमक और साथ में ही थोड़ी सी पेपर। बहुत ज़्यादा स्पाइसेस हम फास्टिंग में नहीं खाते हैं। बहुत ही सिंपल फूड बनता है व्रत का सात्विक तरीके से। तो इसमें मैं इस घिया को घिस देती हूँ, जो लौकी है, और साथ में ही इसमें जिंजर डाल रही हूँ। और डाइजेस्टिव इश्यूज़ के लिए ये फ्लावर बहुत अच्छा है, ग्लूटिन फ्री है, वेट लॉस के लिए अच्छा है। आलू और कोरिएंडर लीव्स और चिली डाल दी है, और इसमें बहुत कम पानी पड़ेगा, और बस ये इसी मटेरियल से ही इसका डो तैयार हो जाएगा। और हमने थोड़ा अच्छे से टाइट डो बनाना है, जिससे कि हम ग्लूटिन फ्री फ्लावर है तो इसकी रोटी बहुत अच्छे से बना पाए। तो इसको हम करा रहे हैं 10 मिनट के लिए रेस्ट, और अब हम इससे बनाते हैं रोटी। और ये फ्लावर वेट लॉस के साथ साथ आपकी हेयर ग्रोथ के लिए अच्छा है, और ग्लूटिन फ्री है तो डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। सिलेक डिजीज वाले इसको खा सकते हैं। और ये रोटी बहुत आसानी से बन जाती है, आप बस हल्का हल्का हाथ चलाइएगा। और इसको अब हम गोल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ग्लूटिन फ्री फ्लावर है तो किनारे थोड़े से स्मूथ नहीं होते हैं। तो ये देखिए, हमारी फर्स्ट क्लास से रोटी बनकर तैयार है। और अब हम इसको पराठे का रूप देने के लिए इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा देसी घी, और देसी घी बहुत ही अच्छा होता है आपके वेट लॉस के लिए और डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए और आपकी बोन्स के लिए भी। तो ये हमारा एक पराठा बनकर तैयार है। तो इसी तरीके के दो पराठे आप लंच में खा सकते हैं इत्मीनान से कर्ड के साथ, और ये देंगे आपको बहुत अच्छा वेट लॉस। तो बात करूं मैं टी टाइम की, तो टी टाइम में आप ग्रीन टी ले सकते हैं, नॉर्मल टी ले सकते हैं, साथ में ही कुछ मखाना या पीनट्स को आप रोस्ट करके ले सकते हैं, या आप मसाला नट्स ले सकते हैं, जिनको मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ किचन का रुख। तो हम बनाते हैं मसाला नट्स, जिसके लिए मैं मखाना रोस्ट कर ले रही हूँ। ड्राई रोस्ट करूंगी पहले सारे ही नट्स एंड
एंड मखाना को, और अब मैं पीनट्स और एलमंड कैश्यू नट्स और पिस्ताचियो इन सबको भी मैं ड्राई रोस्ट करूँगी। आप चाहें तो कोई भी नट्स ले सकते हैं जो आपके फेवरेट हों, आप मखाना और पीनट भी ले सकते हैं सिर्फ। तो इस तरीके से मैं नट्स को रोस्ट कर चुकी हूँ और अब हम इसको एक अच्छा सा फ्लेवर देते हैं, जिसके लिए मैंने इसमें देसी घी डाला है। और देसी घी डालने के साथ ही हम इसमें डालेंगे कुछ पीसेस कोकोनट के, जो हम पूजा में यूज़ करते हैं ड्राई कोकोनट, और उसको थोड़ी देर रोस्ट करने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ कड़ी पत्ता, और साथ में ही डाल रही हूँ मेलन सीड्स, थोड़े से सफ़ेद वाले सेसमी सीड्स, वाइट सेसमी सीड्स, और साथ में ही ग्रीन चिली, और आपके यहाँ अगर रेड चिली खाई जाती है तो आप वो भी डाल सकते हैं, और किशमिश डाल दी है। और इन सबको थोड़ा सा रोस्ट करने के बाद हम सारे नट्स इसमें डाल देंगे, और इसमें डालेंगे थोड़े से स्पाइसेस, जैसे कि हम व्रत वाला नमक डाल रहे हैं, और साथ में ही डाल रहे हैं भुना जीरा पाउडर, और साथ में डालेंगे हम इसमें पेपर। और बस इसी तरीके से, सिंपल तरीके से बिल्कुल बनाना है, और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है इसको। और इसको आप थोड़ा सा ले सकते हैं टी के साथ, और ये चलेगा आपका 3 दिन। आते हैं डिनर पे। डिनर आपने ले लेना है 7 से 7:30 तक, और जिसमें आप ले सकते हैं सांबक राइस का पुलाव, या आप ले सकते हैं सूप जिसे मैंने लास्ट नवरात्रि में शेयर किया था और जिसकी रेसिपी मेरे साइड में दिख रही है, या आप कोई भी स्मूदी ले सकते हैं। और मैं आपको एक बहुत अच्छा सा सैलेड बनाकर दिखाने वाली हूँ, जिसे मैं बनाने वाली हूँ पनीर और पाइनएप्पल से, और ये ग्रिल सैलेड आपको देगा बहुत अच्छी फीलिंग और बहुत अच्छा वेट लॉस। तो चलते हैं, बनाते हैं ये टेस्टी डिनर, जिसके लिए मैंने सॉल्ट, पेपर, भुना जीरा और लेमन लिया है एक बोल में, और इसमें जो पाइनएप्पल कट किया है इसको मैं सोक करने वाली हूँ। साथ में ही मैंने एक चम्मच इसमें वुडप्रेस को ग्राउंडनट ऑयल डाला है, और साथ में ही थोड़ी सी कोरिएंडर लीव्स डाली हैं। इनको अच्छे से हम सोक करेंगे 10 से 15 मिनट। आप कोई भी ऑयल का यूज़ कर सकते हैं जो आपके घर में है। और अब हम पनीर को भी इसी तरीके से सोक करेंगे, सॉल्ट, पेपर, भुना जीरा, थोड़ी सी कोरिएंडर लीव्स, और पनीर को डाल के इसमें 10 से 12 मिनट के लिए रख देंगे। और 10 से 12 मिनट के बाद हम इसको ग्रिल कर देते हैं, और ग्रिल के लिए भी मैंने वुडप्रेस ग्राउंडनट ऑयल लिया है, और इस पे हम इस तरीके से पीसेस को लगा के ग्रिल कर लेते हैं फटाफट से। तो ये देखिए हमारा पाइनएप्पल ग्रिल हो चुका है, बहुत अच्छा कलर आ चुका है और बहुत ही जूसी और टेस्टी दिख रहा है। और साथ में ही हम पनीर को भी ग्रिल कर लेते हैं, और इससे मिलेगा आपको विटामिन सी, प्रोटीन, और साथ में राइबोफ्लेविन, आयरन, नाइसिन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, थायमिन, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स आपको इससे मिल जाएंगे। और ये है बहुत ही फिलिंग डिनर। आप चाहे तो इसमें सॉल्ट अवॉइड कर सकते हैं वेट लॉस के लिए। अब हम आते हैं बेड टाइम पे। बेड टाइम में आप लेंगे या कोई ग्रीन टी, या हम लेंगे सिनेमन टी जिसको मैंने एक बार बताया था, या हम लेंगे जीरा अजवाइन वाटर, जिससे कि हमें सोने के टाइम कोई ब्लोटिंग नहीं हो। और ग्रीन टी में आप कैमोमाइल टी ले सकते हैं, जो बहुत अच्छी स्ट्रेस बस्टर होती है और हमारे डाइजेशन के लिए बहुत। तो इस तरीके से ये हमारा पूरा डाइट प्लान हमको देगा 9 दिन में 5 kg वेट लॉस। और तो बाहर का खाना और फ्राइड फूड आप अवॉइड करने वाले हैं। आप बीच में कोकोनट वाटर ले सकते हैं, लेमन वाटर ले सकते हैं, ग्रीन टी ले सकते हैं। इस तरीके से आप बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगे इस प्लान को। और बहुत सारी रेसिपीज नवरात्रि की चैनल पे हैं, जिसे आप फॉलो कर सकते हैं। इस प्लान को जब फॉलो करेंगे तो आपको रिजल्ट क्या मिले मुझे जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको सारे अपडेट्स मिलते रहे। नवरात्रि की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। इस प्लान को बहुत अच्छे से फॉलो कीजिएगा। मुझसे कस्टमाइज्ड डाइट प्लान लेने के लिए डिस्क्रिप्शन सेक्शन में और अबाउट सेक्शन में पूरी डिटेल है, तो आप मुझसे वहां से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हैप्पी नवरात्रि।